प्रिय विद्यार्थियों, आज केमिस्ट्री की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में आपका पुनः स्वागत है। जी, पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 5 में हमने कार्बोलिथियम यौगिकों के भौतिक व रासायनिक गुणों के बारे में आपको बताया था। ये भी बताया था कि ऑर्गेनोलिथियम यौगिक ग्रिग्नार्ड रिएजन की तुलना में 100 गुना अधिक क्रियाशील होते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको कार्बोलिथियम यौगिकों के उपयोग, कार्बोलिथियम यौगिकों की संरचना के बारे में बताएंगे तथा इसके साथ साथ आपको मैग्नीशियम के कार्बधातिक यौगिकों के बारे में तथा इनके बनाने की विधि के बारे में भी बताएंगे। सर्वप्रथम हम ऑर्गेनोलिथियम या कार्बोलिथियम यौगिकों के उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। कार्बोलिथियम यौगिकों के उपयोग निम्न होते हैं। जैसे कार्बोलिथियम यौगिक एक बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है, क्योंकि प्रकृति में जितना भी लिथियम धातु बनाया जाता है वह लगभग पूरा का पूरा कार्बोलिथियम यौगिकों के बनाने में प्रयोग होता है और बहुत से औद्योगिक उपयोग हैं इन यौगिकों के, जिसमें से कुछ प्रमुख निम्न इस प्रकार हैं। नंबर 1, कार्बोलिथियम यौगिकों के संश्लेषण में कार्बनिक यौगिकों के संश्लेषण में, जैसे एल्केन, एल्किल हैलाइड, एल्कोहल आदि। दूसरा, एल्किल लिथियम का उपयोग एथिलीन के बहुलीकरण में उत्प्रेरक के रूप में भी किया जाता है। तीसरा उपयोग है ब्यूटिल लिथियम व टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड के मिश्रण को ब्यूटिलीन के बहुलीकरण में उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। चौथा उपयोग है लिथियम एसिटिलाइट। एसिटिलाइट का जो एसिटिलीन होती है उसका हाइड्रोजन अम्लीय होता है, उसकी लिथियम के साथ अभिक्रिया करा के लिथियम एसिटिलाइट बना जाता है, जिसका उपयोग विटामिन ए के बनाने में औद्योगिक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। पांचवा उपयोग है कार्बनिक यौगिकों में जो फेनिल समूह जोड़ने में फेनिल लिथियम का उपयोग किया जाता है। जब बड़ी रिंग्स जोड़ते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में फेनिल रिंग, तो उसमें पहले जोड़ने में बहुत दिक्कत आती थी, लेकिन जब हम लिथियम के साथ बेंजीन की अभिक्रिया कराते हैं तो फेनिल लिथियम बनता है और फेनिल लिथियम आसानी से जो है लिथियम को रिप्लेस करके जो है फेनिल समूह जो है जुड़ जाता है। अगला उपयोग है ब्यूटिल लिथियम का उपयोग सल्फेटों के निर्माण में भी किया जाता है, जिसका उपयोग अपमार्जक यानी डिटर्जेंट के रूप में किया जाता है। एल्किल लिथियम का उपयोग स्टीरियो स्पेसिफिक कैटलिस्ट के रूप में भी किया जाता है और विशेष तौर पर जो आइसोप्रीन के बहुलीकरण में किया जाता है। इसमें हम दो प्रकार के बहुलीकरण प्रोडक्ट या रबड़ बनाते हैं, जिसमें एक सिस आइसोमर होता है और दूसरा जो है ट्रांस आइसोमर होता है। ये लिथियम मेथिल बोरोहाइड्राइड तथा टेट्रामेथिल लिथियम उत्प्रेरकों का उपयोग पॉलीविनाइल क्लोराइड के निर्माण में यानी पॉलीमर के निर्माण में किया जाता है। कई रासायनिक संश्लेषण जहां क्रीनियर अभिकर्मक का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, एल्किल लिथियम का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम शुरू में ही बता चुके हैं ये बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है एल्किल लिथियम की संरचना। एल्किल लिथियम के जो अणु हैं वो अधिकतर संगुणित या एसोसिएट अवस्था में पाए जाते हैं, यानी दो या दो से अधिक अणु जो है आपस में जुड़े रहते हैं। यहाँ हम मिथाइल लिथियम की बात करें तो मिथाइल लिथियम में 4 अणु आपस में एसोसिएटेड रहते हैं। जो है एक्सरे के अध्ययन से यह देखा गया है कि मिथाइल लिथियम की संरचना एक
टेट्रामर या चतुष्फलक के रूप में होती है, जिसमें चार मेथिल लिथियम के अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं। इन चारों लिथियम परमाणु चतुष्फलक के चारों कोनों पर स्थित होते हैं और प्रत्येक मेथिल समूह का कार्बन परमाणु चतुष्फलक के पृष्ठ पर या फेस के ऊपर होता है तथा कार्बन पृष्ठ के तीनों लिथियम परमाणु के मध्य बहुकेंद्रित बंध बनाता है, जैसा कि चित्र में जो है दर्शाया गया है। यहाँ हम देखेंगे कि ये टेट्राहेड्रल संरचना जो बनाई है इसमें केवल एक ही फेस दिखाया हुआ है मेथिल समूह का, जो कि तीन अन्य लिथियम परमाणु के साथ जुड़ा हुआ है, एक कार्बन और तीन मिथाइल समूह के साथ जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है लिथियम की जो कोऑर्डिनेशन संख्या है वो 6 होती है, जो कार्बन परमाणु है तीन हाइड्रोजन परमाणुओं से बंधित होता है तथा कार्बन परमाणु तीन लिथियम परमाणुओं के समान निकटवर्ती है। इस प्रकार कार्बन की उपसंयोजकता कम से कम 6 होती है। लेकिन कुछ कंपाउंड्स लिथियम के ऐसे हैं जिसमें ये मोनोमर के रूप में पाया जाता है, वो फॉर एग्जांपल डाईएथिल अमीन के लिगेंड के रूप में यदि लिथियम के साथ जुड़ा हुआ है तो वह मोनोमर के रूप में पाया जाता है। इसका एग्जांपल है लिथियम ट्राइफेनिल मीथेन टेट्रामेथिल डाईअमीन, जिसकी संरचना हमने नीचे समझा रखी है। जो है यानी जो कार्बन है उससे तीन फिनाइल समूह जुड़े हुए हैं और एक कार्बन जो है कार्बन का जो एक बॉन्ड है वो लिथियम के साथ जुड़ा हुआ है, और जो डाई इथिलीन डाईअमीन है वो नाइट्रोजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड के द्वारा जो है लिथियम के साथ जुड़ी हुई है। ये एक मोनोमर के रूप में पाया जाता है। तो ये ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स के जो है सभी चीज़ें पूरी हो गई, अर्थात बनाने की विधि, उनके भौतिक व रासायनिक गुण, उनके उपयोग व संरचना। अब जो नेक्स्ट कंपाउंड आता है वो आता है मैग्नीशियम, यानी मैग्नीशियम के कार्यधात्विक यौगिक। तो दूसरा टॉपिक है आज का हमारा, जिसमें हम मैग्नीशियम के कार्यधात्विक यौगिक के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नीशियम के कार्यधात्विक यौगिकों को तीन समूहों में वर्गीकृत किया गया है। पहले वे जिनमें आर ग्रुप और एक्स ग्रुप दोनों जो है मैग्नीशियम के साथ जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम ग्रिग्नियर अभिकर्मक का के नाम से भी जानते हैं। दूसरे जिसमें सिंपल एल्काइल या एराइल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, डाई एल्काइल और डाई एराइल मैग्नीशियम। तीसरे हैं जिसमें एक साइड तो जो है मैग्नीशियम के एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है और दूसरी साइड में जो है एल्कोक्साइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है, अर्थात एल्किल मैग्नीशियम एल्कोक्साइड। सबसे पहले हम जो है ग्रिग्नियर अभिकर्मक यानी मिक्स ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड, यानी एक तरफ एल्काइल ग्रुप और एक तरफ जो है इनऑर्गेनिक हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। ये बहुत ही जो है फेमस कंपाउंड्स है जो है, और इंडस्ट्री में जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के विभिन्न ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने में काफ़ी प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले इसके बनाने की हम विधि के बारे में पढ़ेंगे। पहली विधि है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड्स। जब हम एल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर में करवाते हैं तो ग्रिग्नियर अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्राप्त होता है। अभिक्रिया थोड़ा स्लो होती है, मध्यम गति से होती है। इसको अभिक्रिया को तीव्र करने के लिए प्रारंभ में हम एक आयोडीन का छोटा सा क्रिस्टल्स मिला देते हैं, जिससे अभिक्रिया की गति बढ़ जाती है। इसमें हम इथाइल ब्रोमाइड प्लस मैग्नीशियम, इथाइल की जगह मिथाइल भी ले सकते हैं और दूसरे एल्काइल ग्रुप भी ले सकते हैं। इसको हम शुष्क ईथर ड्राई ईथर के प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो मैग्नीशियम है वो काफ़ी
मॉइस्चर के प्रति सेंसिटिव है, इसलिए इसको ड्राई ईथर में या शुष्क ईथर में सॉल्वेंट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो हमें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्राप्त होता है। यदि हम यहाँ एल्काइल समूह में जो हैलाइड है उसकी क्रियाशीलता देखें तो आयोडीन सबसे ज़्यादा क्रियाशील, ब्रोमीन उससे कम और क्लोरीन उससे कम होता है। इसी प्रकार एल्किल समूह ज़्यादा क्रियाशील होते हैं वनस्पति एरिल के लिए। अर्थात यदि हम कंपेयर करें इनके सभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का, तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा जो है मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, उसके बाद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, उसके बाद मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर उसके बाद फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, फिर फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और फिर फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इस तरीके से ये क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। यानी मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड सबसे ज़्यादा क्रियाशील होगा जो है एल्काइल में जो है, और फिनाइल में या एरिल में फिनाइल मैग्नीशियम आयोडाइड जो है सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है। दूसरा मेथड है फ्रॉम लिथियम एल्काइल, यानी इसमें हम क्या करते हैं, जो पहले हमने एल्काइल लिथियम कंपाउंड्स बनाए थे उन्हीं कंपाउंड्स को मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं, तो हमें ग्रीनियर अभिकर्मक इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड प्लस लिथियम ब्रोमाइड बाई प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। तीसरा मेथड है मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज मेथड, यानी धातु हाइड्रोजन विनिमय द्वारा। इस विधि में हम फिनाइल एसिटिलीन लेते हैं, जिसमें एसिटिलीन का जो हाइड्रोजन है वो एक अम्लीय हाइड्रोजन होता है जो है, इसकी अभिक्रिया हम इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से कराते हैं, तो जो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एल्काइल ग्रुप है वो अम्लीय हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस हो जाता है और फिनाइल एसिटिलीन का एक मैग्नीशियम कंपाउंड्स प्राप्त होता है जो है। तो जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसका नाम होता है फिनाइल एसिटिलाइड मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और इथेन बाई प्रोडक्ट के रूप में निकल जाता है। इसी प्रकार और दूसरे साइक्लिक कंपाउंड्स में, फॉर एग्जांपल साइक्लोपेंटाडाइन लेते हैं, इसमें ये दो हाइड्रोजन है ये भी जो है अम्लीय होते हैं, ये इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करकर हमारे जो एराइल कंपाउंड्स हैं मैग्नीशियम के वो बनाते हैं। यानी जो कंपाउंड्स बनता है वो है साइक्लोपेंटाडाइनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और बाई प्रोडक्ट के रूप में जो है इथेन निकल जाता है। तो इस प्रकार से जो है हमारी तीन मेथड जो हमने आपको बताए, पहला मेथड था जो है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, दूसरा मेथड था फ्रॉम लिथियम एल्काइल, और तीसरा मेथड था मेटल हाइड्रोजन एक्सचेंज। मेथड्स और भी दे रखे थे लेकिन हमने यहाँ पर केवल मुख्य जो है मेथड्स लिए हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रॉपर्टीज़ और उनके उपयोग के बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।